गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, यूनिट 2, मटेरियल्स एनिमल फाइबर। ओके, इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट वूल, इट्स टाइप, सोर्सेज एंड प्रोडक्शन, लर्निंग अबाउट सिल्क। ओके, वार्म अप। Fiber can be classified into 2 main categories, natural and synthetic. That is clear. We find 2 types of fiber, natural and synthetic. Natural fiber are obtained from natural sources, that we already studied in class 6, that natural fiber can be obtained from natural sources such as animals, plants, synthetic fiber, animals and plants, such as synthetic fiber are man-made fiber. Synthetic fiber jo hai wo man-made fiber hai. This is your homework to complete this 4 sources of fiber. The material used for clothing vary around the world. Jo material use kiya jata hai cloth banane ke liye wo is sansar mein, wo is world mein milta hai. Some textile are better suited to पर्टिकुलर क्लाइमेट, कुछ जो है टेक्सटाइल है वो पर्टिकुलर क्लाइमेट पे ही पहना जाता है. इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल वेयर वार्म गारमेंट्स मेड ऑफ वूल आर क्लोजली वोन बाय फैब्रिक्स. इन द कोल्ड रीजन, कोल्ड क्लाइमेट्स, पीपल वेयर वार्म गारमेंट्स टू कीप देयर बॉडी वार्म, मेड फ्रॉम वूल और क्लोजली वोवन फैब्रिक, और जो फैब्रिक ऐसे जो बहुत क्लोजली वुवन हो. दीज मटीरियल्स आर यूजुअली गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. ये जो मटीरियल होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, बिकॉज दे ट्रैप एयर, वो एयर को ट्रैप करते हैं इन हॉट क्लाइमेट. जो ठंडी हवा होती है, ठंडी एयर को वो ट्रैप कर लेते हैं, सोख लेते हैं. पीपल प्रिफर टू वेयर वाइट लाइट कलर्ड क्लॉथ्स. किसमें, पीपल प्रिफर टू वेयर लाइट कलर क्लोथ्स बिकॉज सच एज कलर एब्जॉर्ब लाइट हीट. इन गर्मी में लोग क्या पहनते हैं, इन हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट में गर्म जहाँ जलवायु होती है वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, लाइट कलर क्लॉथ्स, बिकॉज लाइट कलर क्लॉथ्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर देते हैं किसको, वेरी लिटिल हीट को, हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. पीपल ऑफ अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन जहाँ पे अरब देश है, अरब डेजर्ट में वेयर लूज फ्लोइंग गारमेंट्स, उनके जो गारमेंट्स होते हैं वो बहुत ही लूज होते हैं, दैट शील्ड देयर बॉडी फ्रॉम, वो उसकी बॉडी को सूट करने के लिए, एंड ब्लेसिंग सन, वो सूर्य की तपश से बचने के लिए. द सेम गारमेंट्स प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट कोल्ड नाइट एयर, और यही कपड़े जो हैं वो उनको ठंडी हवाओं के रातों से बचाते हैं. इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन जहाँ बहुत ठंड नहीं, बहुत गर्मी नहीं होती है, पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं बिकॉज ऑफ 4 डिफरेंट सीजन. लाइक अस, इन समर दे वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, इन स्प्रिंग सीजन दे वेयर कॉटन क्लॉथ्स बट फुल शर्ट्स वगैरह, इन ऑटम सीजन वी वेयर नॉट सो कॉटन एंड नॉट वुलन ड्रेसेस, इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन वी वेयर. देयर आर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वेरी विद ईच डिफरेंट सीजन, हर सीजन के लिए अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स हम लोग पहनते हैं. दस पीपल वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम डिफरेंट फाइबर्स, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो डिफरेंट फाइबर्स से बने होते हैं. फॉर प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेवरल काइंड्स ऑफ वेदर, हर वेदर से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं. जैसे रेनी सीजन में हम लोग गम बूट्स, रेनकोट्स, दीज टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर यूज्ड, एंड इन समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, इन स्प्रिंग सीजन वी वेयर नॉट सो कॉटन एंड नॉट सो वुलन मिक्स पहनते हैं, स्वेटर उतर जाते हैं, बट शर्ट्स वगैरह हम लोग फुल ही पहनते हैं. नेक्स्ट, फाइबर. फाइबर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्सटाइल चेंज.
आप जो कपड़ा पहनते हो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। फाइबर इज स्पन इनटू यार्न। फाइबर जो होता है उसको स्पन करके हम लोग यार्न धागे में बनाते हैं। द यार्न वोवेन और नीट, यार्न मतलब धागा जो होता है वो वाला वोव था किया जाता है और नीटेड उसको या तो वो किया जाता है, नीटेड किया जाता है। इनटू फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में विच आर देन यूज टू मेक फिनिश्ड, उसका यूज किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स को फिनिश करने के लिए, सच एज क्लॉथ्स, टेबल क्लॉथ्स एंड बैग्स। उससे क्लॉथ्स बनते हैं, टेबल क्लॉथ्स बनते हैं और बैग्स बनते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ग्रुप फैब्रिक ऑन द बेसिक ऑफ फाइबर दे आर मेड ऑफ। ये देखिए, ये एक एक्टिविटी है टू स्टडी डिफरेंट फैब्रिक को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसको आप लोग एक रीड करिएगा, दिस इज योर होमवर्क। वी नो दैट नेचुरल फाइबर आर टू टाइप्स। हम लोग को पता है नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट वेजिटेबल फाइबर और एनिमल फाइबर। एक फाइबर ऐसा जो हमें प्लांट से मिलते हैं कुछ फाइबर, बट सम फाइबर वी गेट फ्रॉम एनिमल। वेजिटेबल फाइबर आर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स एंड स्ट्रक्चर मटेरियल सेल्यूलोज ऑफ प्लांट। जो वेजिटेबल फाइबर होते हैं वो थ्रेड लाइक दाग फिलामेंट होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और स्ट्रक्चर सेल्यूलोज ऑफ प्लांट से मिलते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट से वी गेट दिस फाइबर। वी शैल हेयर डिस्कस एनिमल फाइबर इन डिटेल। हम लोग इस चैप्टर में एनिमल फाइबर को डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन। एनिमल फाइबर जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। वूल एंड सिल्क आर टू नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वी ऑब्टेन वूल एंड सिल्क फाइबर फ्रॉम एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द वूल। इन्फो बिट्स, वूल इज ऑल्सो एबल टू सोक अप एज मच एज 30% ऑफ इट्स ओन वेट। वो जो क्या करती है, 30% अपने वेट्स को सोक कर सकती है इन मॉइस्चर विदाउट फीलिंग वेट। मॉइस्चर को अपने पर वो कर लेती है, सक कर लेती है बिना गीले हुए। विच इज वन ऑफ द रीजन, जो कि एक कारण है, इट कैन स्टिल कीप यू वार्म, जिससे आप अपने आप को गर्म कर रख सकते हैं इवन इन रेन, बारिश में भी। ड्यूरिंग द विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ, दैट इज क्लियर, वी वेयर वुलन क्लॉथ इन द विंटर सीजन। डू यू नो वेयर वी ऑब्टेन फ्रॉम वूल, हैव डू यू नो इट? यस यू नो, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। वूल इज अ फाइबर ऑब्टेन द फ्लीस और हेयर ऑफ सम एनिमल्स। वूल जो है वो हमें फ्लीस से मिलती है। फ्लीस क्या होता है, कवरिंग होती है एनिमल के बॉडी की, लास्ट कवरिंग होती है। वूल इज सॉफ्ट टू टच एंड प्रोवाइड्स वार्म्थ। वूल को आप टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट होगी और हमें गर्म रखती है। वूल फाइबर ट्रैप एयर इन द स्पेस प्रेजेंट। वूल फाइबर जो होती है वो एयर, उस समय की जो एयर होती है उसको वो ट्रैप कर लेती है, सोख लेती है, ठीक है, उस जगह की। सिंस एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट। द फाइबर कीप अस वार्म, फाइबर जो है वो हमें गर्म रखता है। वूल फाइबर कैन बी इजली डाइड इन डिफरेंट कलर। वूल फाइबर को हम लोग डाई कर सकते हैं दूसरे तीसरे कलर्स में। एनिमल्स यील्डिंग वूल, वूल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम शीप। वूल फाइबर हमको कहाँ से मिलता है, शीप, गोट, अनोग्रा रैबिट्स, गोट, एलेप्सा, इवन इवन कैमल्स। कैमल्स से भी हमें वूल मिलती है, शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, अंगोरा रैबिट्स से मिलती है, ठीक है, एलेप्सा से भी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शीप, मोस्ट शीप हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर फ्रॉम विच द वूल इज ऑब्टेन। वूल जो हमको मिलती है वो टू टाइप्स ऑफ हेयर जो कि शीप के होते हैं उनसे मिलती है। द आउटर कोर्स हेयर इज नोन एज कैम्प, जो आउटर कोर्स होता है उस हेयर का उसको कहते हैं कैम्प। द फाइन सॉफ्ट अंडर कोट क्लोज टू द स्किन इज चो,
जो अंदर होती है वो असली वूल, ट्रू वूल होती है। फ्रॉम विच वूल फाइबर इज ऑब्टेन, जिससे हम लोग वूल फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। डोमेस्टिकेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैव एलिमेंटेड मोस्ट ऑफ द लॉन्ग हेयर। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन मतलब अपने पास रखते हैं, सेलेक्टिव ब्रीड्स, अच्छी ब्रीड्स जो होती हैं, हैव इलेमिनेटेड मोस्ट ऑफ लॉन्ग हेयर, उनके हेयर जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। टुडे शीप आर कवर्ड ऑलमोस्टली एक्सक्लूसिवली ट्रू वूल, जो आजकल शीप्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं किससे, एक्सक्लूसिव विथ असली वूल से। द मैरिनो इज द इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंटियल ब्रीड ऑफ शीप प्राइज्ड फॉर इट्स वूल, जो मैरिनो शीप होती है वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी उसकी ब्रीड होती है, उसकी वूल के लिए वो फेमस है। नाउ कश्मीरी गोट, वी सी गोट इन द प्लेन्स बट दिस इज अ कश्मीरी गोट। द फाइन सॉफ्ट फाइबर, फाइबर कैसा, फाइन एंड सॉफ्ट, ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ कश्मीरी गोट इज कॉल्ड कश्मीरी, जो कि कश्मीरी गोट के अंडर कोट से मिलती है जिसे हम लोग कश्मीरी कहते हैं। द आउटर कोट हेयर फाइबर आर क्वाइट कोर्स, जो ऊपर के जो उसके हेयर होते हैं वो कोरस होते हैं, खराब होते हैं कोरस। एंड हाई क्वालिटी कश्मीरी इज ऑब्टेन बाय डी हेयरिंग और कॉम्बिंग, जो हाई क्वालिटी की होती है कश्मीरी वो कहाँ से मिलती है, उसके कॉम्बिंग से। कश्मीरी गोट आर फाउंड ओनली इन माउंटेन्स, कहाँ पे खाली मिलेगी, इन माउंटेन्स। यू सी द हाउ विच टाइप ऑफ गोट वी फाइंड इन प्लेन, है ना, कहाँ कहाँ मिलती है, रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत, चाइना और तिब्बत में ये ज्यादा मिलती है। नाउ अब अंगोरा रैबिट, सॉफ्ट वाइट फाइबर कॉल्ड अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट। व्हाइट कलर का एक फाइबर होता है जो कि जिसे अंगोरा वूल कहते हैं, वो अंगोरा रैबिट से वी फाइंड दैट। स्टिफ लॉन्ग ग्राउंड हेयर ग्रोइंग थ्रू द सॉफ्ट कोट हैव टू बी रिमूव्ड बिफोर द फर, क्या करते हैं हम लोग, स्टिफ लॉन्ग ग्राउंड हेयर, उसके जो लॉन्ग ग्राउंड हेयर होते हैं उसको रिमूव करते हैं बिफोर फर, फर से पहले, फ्रॉम दिस रैबिट इज कॉम्ब्ड आउट, उससे पहले रैबिट को कॉम्ब्ड किया जाता है। द सॉफ्ट वाइट फर, कैसा फर मिलता है, सॉफ्ट वाइट फर ऑब्टेन इन देन स्पन इन टू यार्न, पहले स्पन के रूप में फिर हम लोग इसको यार्न बनाते हैं। यूज टू मेक स्वेटर, उससे क्या बनते हैं, स्वेटर बनते हैं। नेक्स्ट वन इज याक, याक आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक इज ए एनिमल दैट वी फाइंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। देयर कोट्स कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्ग कोरस हेयर, उनके बाहर कैसे होते हैं, वो कोरस रफ टफ हेयर होते हैं। एंड अंडर कोट ऑफ सॉफ्ट एंड सिल्की वो, और उसके अंडर कोट क्या मिलता है, सॉफ्ट एंड सिल्की वूल मिलती है। द कलर यूजली रेंज फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक, कलर कौन सा मिलता है, रेंजेस कौन कौन से कलर के मिलते हैं, ब्राउन और ब्लैक। नेक्स्ट वन इज कैमल, कैमल फ्लीस कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट फाइन अंडर कोट एंड ओवर कोट ऑफ लॉन्ग कोरस हेयर दैट ग्रोज इंटू 15 इंचेस लॉन्ग, कितने बड़े बड़े होते हैं, 15 इंचेस लॉन्ग होते हैं उसके, कैसे होते हैं फ्लीस, वो सॉफ्ट और फाइन होते हैं, ठीक है। कैमल वूल इज कंसाइडर्ड अ हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट, कैमल वूल जो है वो कंसाइडर करता है कैसा, हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट, उससे हम लोग को हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट फाइबर हमें मिलता है। इट हैज एक्सीलेंट थर्मल इंसोल्यूशन प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, थर्मल इंसोल्यूशन। नो चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू विथ शिप फार्मिंग, ओके, रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।